पुलिस मुठभेड़ में लुटेरों को पकड़ने का दावा करने वाली गुरबख्शगंज पुलिस चोरों के आगे हुए नतमस्तक। एक के बाद एक क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियां एवं लूट चुनौती आदि ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल दी है। मामला गुरबख्शगंज थाने के अंतर्गत गौरी सताव गांव का है, जहां देर रात बेखौफ चोरों ने घरों से लगभग सोने चांदी की जेवरात सहित 40 से 45 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। गौरी सताव गांव के रहने वाले उमा शंकर सिंह के घर में बेखौफ चोरों ने सोने चांदी की जेवरात व 1 लाख की नकदी सहित लगभग 30,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं गांव के ही दूसरे घर में रहने वाले अनुराग सिंह के घर में चोरों ने 30,000 की नकदी व सोने की जेवरात सहित लगभग 8 लाख रुपए की नकदी पर बेखौफ चोरों ने हाथ साफ किया और आराम से मौके से फरार हो गए। क्या नाम है आपका? क्या है मामला? क्या है मामला? चोरी हो गई है। चोरी हुई कितने, लगभग कितने रुपए की चोरी हुई? तो पहले हम लोग लेटे हुए थे, पता नहीं। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई है? 1 लाख तो नगद दी गई है, ऊपर नगद 1 लाख रुपए ऊपर से। और अन्य लगभग 20-25 लाख सामान सा बहुत कुछ बिटिया सामान रखे थे। लगभग कितने? 25 लाख। 25 लाख रुपए। गुरबख्शगंज थाने को सूचना दिया? जी जी जी। फिर क्या हुआ, कोई आया? आए थे। हाँ जी। अच्छा, एप्लीकेशन तो दिया नहीं? अभी दिया सर। दे दिया एप्लीकेशन? एप्लीकेशन दिया, उन्हें का सामान लिस्ट पर रखा, दे दीजिए तब किसी भी पढ़े लिस्ट देने के बाद। क्या नाम भैया आपको, पूरा परिचय क्या है, क्या है मामला? अनुराग सिंह नाम है मेरा जी। और हम रैली ही रहते हैं, घर में यहाँ पर तो रहते नहीं हैं। सुबह सूचना मिली, माते ने फोन किया। क्या हुआ है? कि चोरी हो गई। तो हम लोग सुबह आए तो देखे यहाँ पूरा सामान वामान सब चोरी हो गया। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई? लगभग 8-10 लाख तक सामान हमारे यहाँ गया है और चाचा के यहाँ कम से कम 30-35 लाख। नगदी कितना गया होगा? नगदी गया होगा लगभग 30-40 हज़ार तक। 30-40 हज़ार रुपये नकदी? हाँ, बाकी जेवर गए। जेवर? अच्छा, पुलिस को सूचना दिया? हाँ, पुलिस सूचना दी गई है। यशो साहब आए भी थे जी। और अपना यहाँ वीडियो बना के लेकर गए हैं, कुछ शिनाख्त कराने के लिए लेकर गए थे चाची अच्छी को, वहाँ पे जो पावर हाउस के बगल में डेरा डाल रखे हैं कुछ लोग जी। हाँ, लेकिन वहाँ कोई सूचना मिली नहीं।